नमस्कार दोस्तों, बच्चों, आप सभी का प्रगति गुरुकुल चैनल पर बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए कक्षा 12वीं की इतिहास का प्रश्न पत्र लेकर के आई हूँ। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके पेपर में आने के पूरे 100% चांसेस हैं। इसके 99% तो आपको 50 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे, इसमें से 50% 50 मार्क्स के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं पेपर की। पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में एक एक अंक है, आइए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य सर्वप्रथम किस स्थान पर प्राप्त हुए? हड़प्पा स्थल, लोथल स्थल, मोहनजोदाड़ो स्थल, रोपड़ स्थल। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? जॉन मार्शल, IREM व्हीलर, कनिंग, BM स्मिथ। चोल, चेर और पांड्या जैसे राज्यों का उदय किस क्षेत्र में हुआ था? कलिंग, तक्षशिला, तमलीकम, कौसाम्बी। चौथा क्वेश्चन है, नलीरादित व दिव्य प्रबंधम का संबंध निम्नलिखित में से कौन में से किसका किससे था? शैव संतों का काव्य संकलन, अलवार संतों का काव्य संकलन, जैन संतों का काव्य संकलन, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगला देखते हैं, ताली कोटा का युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में, 1575 ईस्वी में, 1565 ईस्वी में। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? बाबर ने, हुमायूं ने, गुलबदन बेगम ने, रोशन आरा ने। बंगाल में इस्तमरारी स्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? 1790 ईस्वी में, 1793 में, 1795 में, या फिर 1798 ईस्वी में। 1798 ईस्वी की सहायक संधि को किसने तैयार किया? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कलिंग ने, कैनिंग ने, हेनरी हार्डिंग ने, लॉर्ड वेलिजन ने। चौरा चौरी का हिंसक घटना के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, होम रूल आंदोलन। संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य का प्रस्ताव किसने पेश किया था? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने, वल्लभ भाई पटेल ने। अब देखते हैं दो नंबर के क्वेश्चन में क्या क्या है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने और कब की थी? अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनरल कब बने? अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जीवन में निम्नलिखित स्थानों का क्या संबंध है? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ। कुशीनगर में तो उनकी डेथ हुई थी, सारनाथ में, बोधगया में तो उनको शायद से शिक्षा मिली थी, जहां तक मुझे ध्यान है। आप पढ़ लीजिएगा बच्चों, अगर चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट अगर करोगे तो मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर समझा दूंगी। अगला देखते हैं, 1857 के विद्रोह के किन्हीं दो प्रमुख केंद्रों तथा उनके नेताओं के नाम लिखिए। आगे के क्वेश्चन देखते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? 1950 में लागू हुआ था, आप सभी को पता है, 26 जनवरी 1950 में। और सभा के अध्यक्ष कौन थे उस समय, ये बताना है, ठीक है। सांची, और ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की भूमिकाओं का वर्णन करिए। अभिलेख शास्त्रियों की कुछ समस्याओं की सूची बनाइए। बेसरिया और बासरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता और अंतर दोनों को स्पष्ट कीजिए। विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता है? जमींदार लोग अपनी जमींदारी पर किस प्रकार नियंत्रण बनाए रखते हैं? संविधान सभा के सामने पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदेशों पर जोर दिया गया था? तो बच्चों, ये सभी क्वेश्चन 5-5 मार्क्स के हैं। आगे देखते हैं दीर्घ क्वेश्चन, 10 नंबर का जो है वो क्या है। सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों और आचारों की व्याख्या कीजिए। मुगल दरबार में पांडुलिपि तैयार करने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
खंड ड में अड़ में क्या है, एक एक अंग के हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थितियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए, एक एक नंबर के हैं, आपको उल्लेख करना है। 322 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व, 1206 ईसा पूर्व, 1347 ईसा पूर्व, 1510 ईसा पूर्व, 1526 ईसा, 1986 ईसा, 1856 ईस्वी, 1935 ईस्वी। आगे देखते हैं मानचित्र संबंधी प्रश्न। दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित दशाओं का अंकन चिन्ह द्वारा कीजिए दर्शाइए, और अनेक उनके नाम भी लिखिए। सही नाम या सही स्थान दर्शाने के लिए दो अंक निर्धारित है। वह स्थान जहां से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, वह स्थान जो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी, वह स्थान जहां शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, वह स्थान जहां 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ, वह स्थान जहां गांधी जी के नमक कानून तोड़ा। केवल दृष्टि भारी परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न को मानचित्र कार्य के विकल्प स्वरूप है। सबके नाम आपको स्थान पर लिखने हैं। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस स्थान पर मिला था, चंद्रगुप्त की राजधानी किस स्थान पर थी, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह किस स्थान पर है, 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ, गांधी जी के नमक कानून कहाँ तोड़ा। तो बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट मिल गए होंगे। आप अपनी तैयारी अच्छे से जोरों शोरों से करिए और अच्छे से पेपर देकर के आइए। आप सभी को ऑल द बेस्ट।